फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल द मिंटा। आज हम लोग बात करने वाले हैं जैक दिल्ली की काउंसलिंग्स के बारे में। काफ़ी सारी काउंसलिंग्स के बारे में आपको हम लोग अपडेट देते रहते हैं समय समय पे। तो आपको जैसा कि पता है कि जो जैक दिल्ली की काउंसलिंग चल रही है उसमें आपका ये स्पॉट राउंड होने वाला है और उसके लिए सीट मैट्रिक्स आ चुकी है और उस सीट मैट्रिक्स के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। स्पॉट राउंड के बारे में मैं एक बात बता दूँ कि जैसे कि नॉर्मल राउंड्स आपके होते हैं, जो आपके नॉर्मल राउंड्स गए हैं प्रीवियसली जैक दिल्ली के, वो आपके ऑनलाइन गए, आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया, आपने ऑनलाइन चॉइस फिलिंग करी और आपको उसके अकॉर्डिंग आपको कॉलेज अलॉट हुआ रैंक के वाइज। अब आपका क्या है कि आपको कॉलेज में रिपोर्ट करना है NSUT सेक्टर 3 द्वारका, NSUT मेन कैंपस में, और वहाँ पर आपका स्पॉट राउंड होने वाला है। वेन्यू आपका डिसाइडेड है, इसी वेन्यू में आपको जाना है। आपको किसी भी कॉलेज के लिए अप्लाई करना है जैक दिल्ली के किसी भी कैंपस के लिए, जैसे कि DTU हो गया, NSUT है, DSEU है और आपका IGGTU है, IIIT दिल्ली है, तो ये सब जितने भी कॉलेजेस हैं आपको इन सभी के लिए अप्लाई करने के लिए स्पॉट राउंड के लिए रिपोर्ट यहाँ पे करना होगा। और आपको साथ में एक DD भी लेके जाना होगा, 95,000 की ये DD आपको लेके जाना पड़ेगा स्पॉट राउंड की काउंसलिंग के लिए। एंड बाकी सारी सर्टिफिकेट्स, जो भी आपकी मार्कशीट्स हैं, मेडिकल सर्टिफिकेट है, इनकम, जितनी भी रिक्वायरमेंट आपके TC कैरेक्टर माइग्रेशन, ये सब आप लेके साथ में जाइए। और आपको स्पॉट राउंड में जो भी जैसे वहाँ पे आपका प्रोसेस क्या रहेगा कि जितना भी स्टूडेंट्स वहाँ पे गैदर होगा काउंसलिंग्स के लिए स्पॉट राउंड के लिए, उनको एक टोकन नंबर प्रोवाइड किया जाएगा, उनको एक नंबर प्रोवाइड हो जाएगा और वो रैंक के वाइज आपको कॉल किया जाएगा। अगर मान लीजिए आपकी रैंक 50,000 है और आपके आपके साथ के किसी एक और स्टूडेंट की रैंक 50,000 के आसपास है, तो अगर वो वहाँ पे मौजूद है, उसकी रैंक आपसे थोड़ी सी भी कम है, तो पहले अगर आपने कोई ब्रांच प्रेफर की है तो उसको वो आप ब्रांच मिल जाएगी, आपको वो ब्रांच नहीं मिल पाएगी। अगर सीट वैकेंट ख़त्म हो गई तो वो ब्रांच आपके हाथ से चली जाएगी। मतलब ये हुआ कि जो जिसकी रैंक ज़्यादा अच्छी होगी उसको उसके प्रिफर्ड ब्रांचेस पहले मिल जाएंगी, और जिसकी रैंक थोड़ी सी ज़्यादा होगी, नीचे की होगी, तो उसको कम चांसेस हैं कि वो ब्रांच अलॉट हो पाए। आई गेस कि आपको समझ में आ गया होगा स्पॉट राउंड कैसे होगा। और ये आपका रैंक वाइज चलेगा, पूरा रैंक वाइज आपको बुलाया जाएगा, और ये लेट नाइट भी चल सकता है, काफ़ी टाइम लग सकता है इस प्रोसेस को होने में, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे स्पॉट राउंड में पार्ट लेते हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से आते हैं स्पॉट राउंड के लिए, NSUT में आएंगे। तो बच्चों, ये पूरा प्रोसेस टाइम टेकिंग है और आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा इस काउंसलिंग के प्रोसेस के लिए। बहुत जल्दी पैनिक कर जाते बच्चे कि अब तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा, इतनी रैंक ज़्यादा आ गई है, सारे बच्चों को कॉलेज अलॉट होता जा रहा है, हमको नहीं मिलेगा। बट हो सकता है मे बी कि सीट वैकेंट रह जाए और आपको कॉलेज अलॉट हो जाए, तो इसलिए आप थोड़ा सा वेट करिएगा काउंसलिंग्स का। अब हम देख लेते हैं सीट मैट्रिक्स, कितनी कितनी सीट खाली है, क्या वैकेंट है, तो हमें जाना वर्थ रहेगा कि नहीं रहेगा, तो हम ये भी देख लेते हैं। अब जैसा कि बात करें, पहला हमारा है DSEU कैंपस। DSEU में बात करें, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की बात करें हमारा कैंपस की, तो 9 यहाँ पे सीट लेफ्ट वैकेंट है। मैकेनिकल और मैकेट्रॉनिक्स की देखें तो 15-16 के आसपास सीटें खाली हैं, और मैकेनिकल की 15 खाली, कंप्यूटर साइंस की 5। तो कंप्यूटर साइंस आपकी और मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की बात करें, मैकेनिकल इंजीनियरिंग GVPN DSEU ओखला कैंपस की बात करें, तो आपकी यहाँ पे 5-5 सीटें लमसम और 6 सीटें के आसपास वैकेंट है। लेकिन सबसे ज़्यादा सीटें EC की खाली है, 22 सीट्स यहाँ पे वैकेंट है, और 31 सीट्स कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की यहाँ पे वैकेंट है। 31 सीट्स दिल्ली रीजन वाले बच्चों के लिए, यहाँ पे जनरल दिल्ली रीजन वाले स्टूडेंट्स यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ, जितने भी स्टूडेंट्स दिल्ली को बिलोंग करते हैं उनके लिए 31 सीट्स EC ब्रांच में वैकेंट है, 22 सीट्स आपकी EC ब्रांच में वैकेंट है, सॉरी मैकेनिकल में आपकी 31, कंप्यूटर साइंस में आपकी 31 सीट्स वैकेंट है। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा सीट्स आपको यहाँ पे वैकेंट मिल रही है। जितने भी स्टूडेंट्स दिल्ली को बिलोंग करते हैं वो ज़रूर यहाँ पे पार्टिसिपेट करें, बहुत बढ़िया चांस है, बहुत बढ़िया मौका है आपको बच्चों एक इंस्टीट्यूट में, अच्छे इंस्टीट्यूट में जाने का, जो कि जैक दिल्ली कैंपसेज हैं। तो बच्चों ज़रूर ट्राई करना यहाँ स्पॉट राउंड में जाने के लिए। 31 सीट्स आपकी CSE की वैकेंट थी, बताइए, और किसी भी काउंसलिंग में देखते हैं तो स्पॉट राउंड तक जाते जाते CSE की सीट लेफ्ट वैकेंट रहती ही नहीं है, बट यहाँ पर आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा सीट्स यहाँ पर वैकेंट है। तो भाई दौड़ के अप्लाई करना है, जितने भी दिल्ली के बच्चे हैं उनको तो अप्लाई करना ही करना है। अब हम बात करें आउटसाइड रीजन वाले बच्चों की, आउटसाइड रीजन वाले बच्चों की कंप्यूटर साइंस की यहाँ पे 2 सीटें सिर्फ वैकेंट है, 5 सीटें EC की वैकेंट है, 5 सीटें आपकी कंप्यूटर, 5 सीट्स आपकी कंप्यूटर साइंस की,
सॉरी आपकी ईडब्ल्यूएस ब्रांच की पांच यहाँ पे दो सीटें हैं, लेकिन जनरल कैटेगरी की पांच सीट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, ठीक है। अब हम बात करें यहाँ पे 7 सीट्स जनरल कैटेगरी वाले की कंप्यूटर साइंस की अवेलेबल हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे 7 सीट्स हैं। अब हम देखें यहाँ पे एससी कैटेगरी अदर स्टेट वाले बच्चों की यहाँ पे कितनी सीट्स हैं, लमसम 3 या 2 या 3 ऐसे ही सीट्स वैकेंट है सारी ब्रांचेस में। कंप्यूटर साइंस हो गई, मैकेनिकल, मैकेट्रॉनिक्स और आपकी मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ये सारी ब्रांचेस में बहुत ज़्यादा नहीं है, 2, 3, 3, 4 ऐसी सीट्स वैकेंट यहाँ पे अवेलेबल है अदर सीट वाले एससी कैटेगरी वाले बच्चों के लिए। तो हमने बात कर ली डीएससीयू कैंपस की, तो बच्चों आप ये वैकेंसी देखते हुए अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे काउंसलिंग्स के लिए। नेक्स्ट हमारा कॉलेज यहाँ पे आता है डीटीयू, जो कि काफ़ी मेन कॉलेज, इंपॉर्टेंट कॉलेज, नंबर वन कॉलेज आपका डीटीयू आता है। इसमें अगर हम दिल्ली वाले स्टूडेंट्स का देखें कितनी यहाँ पे वैकेंसी सीट्स हैं, तो 13 सीट्स आपकी है इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग की, 11 आपकी बायोटेक्नोलॉजी की वैकेंट है, 13 आपकी यहाँ पे इन्वायरमेंटल की एससी कैटेगरी की ये मैं बता रही हूँ, और जनरल कैटेगरी में इन्वायरमेंटल की 13 सीट्स वैकेंट है। अब हम बात करें ओबीसी कैटेगरी वाले अदर स्टेट के बच्चों की, अदर स्टेट में ओबीसी वाले में बायोटेक्नोलॉजी की 3 सीट्स वैकेंट है और आपकी इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में यहाँ पे 3 सीट्स वैकेंट है, 5 आपकी यहाँ पे इंजीनियरिंग फिजिक्स की वैकेंट है और प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की आपकी 3 सीट्स है, 11 सीट्स यहाँ पे वैकेंट है मैकेनिकल इंजीनियरिंग की। तो आप देख सकते हो ओबीसी कैटेगरी वाले का अदर स्टेट में कितना कितना यहाँ पे सीट मैट्रिक्स, यहाँ पे सीट वैकेंट है। अब हम देखें अदर ब्रांचेस में, ईडब्ल्यूएस में इंजीनियरिंग फिजिक्स की देखें तो 2 हैं 5 हैं आपकी सीट्स यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, तो इस तरीके से आप देख सकते हो यहाँ पे सीट मैट्रिक्स डीटीयू का भी अदर स्टेट के लिए। तो बच्चों आगे हम बढ़ते हैं वीडियो में, हमने जान लिया ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और एससी वाले बच्चों की सीट वैकेंसी डीटीयू कैंपस में, और हम देख लेते हैं जनरल कैटेगरी में। अब जनरल कैटेगरी में देखें तो वैकेंसी अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे 6 सीट वैकेंट हैं, 6 सीट्स वैकेंट है सिविल इंजीनियरिंग के लिए और हमारी 5 सीट्स वैकेंट है यहाँ पे इंजीनियरिंग फिजिक्स के लिए। प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की भी यहाँ पे 5 सीटें वैकेंट है, अब मैकेनिकल की यहाँ पे 14 सीट्स यहाँ पे वैकेंट है, केमिकल इंजीनियरिंग की 4 सीट्स वैकेंट है। तो आप देख सकते हो जनरल कैटेगरी वाले बच्चों के लिए यहाँ पे डीटीयू कैंपस में कितनी ज़्यादा सीट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे आप इन सीट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं डीटीयू में, आपको बाकी सारी मेन जो कोर ब्रांचेज है उसमें सीट वैकेंट नहीं है इसलिए यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, बट जितनी भी वैकेंट है वो आपको यहाँ पे शो कर रहा है। ईडब्ल्यूएस और एससी कैटेगरी वाले बच्चों के लिए भी यहाँ पे वैकेंसी लिखी हुई है, 2, 3 ऐसे यहाँ पे 4 सीट्स यहाँ पे वैकेंट है, 4 यहाँ पे लमसम मैकेनिकल इंजीनियरिंग की वैकेंट है, आप देख सकते हो एससी कैटेगरी वाले बच्चों के लिए। ये हमारा है डीटीयू कैंपस की पूरी सीट मैट्रिक्स। नेक्स्ट हम देखें आईजीडीटीयूडब्ल्यू के बारे में, IGDTW में अगर हम लोग देखें, दिल्ली स्टेट में अगर हम लोग देखें तो जनरल कैटेगरी में यहाँ पे 20 सीट्स खाली हैं यहाँ पे मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन इंजीनियरिंग की, 20 सीट्स IGDTU में, और हमारी यहाँ पे 6 सीटें हैं डुअल डिग्री प्रोग्राम मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन की भी, 6 सीट्स यहाँ पे वैकेंट है। और एससी कैटेगरी में हम लोग देखें तो 16 सीट्स वैकेंट है मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन की यहाँ पे एससी कैटेगरी में। ओबीसी में देख लेते हैं थोड़ा सा, ओबीसी में हमारी यहाँ पे 5 सीट्स वैकेंट है, सॉरी एससी कैटेगरी में हमारी 5 सीट वैकेंट है बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर, अगर आपने जेई मेन बीआर का ही पेपर दिया तो यहाँ पे इसकी भी वैकेंसी है। नेक्स्ट हम देखें यहाँ पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की अदर स्टेट पे, अदर स्टेट वाले बच्चों की भी हम देख लेते हैं ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में, तो ज़्यादा सीट्स वैकेंट नहीं है, 4, 2, 4 ऐसे यहाँ पे वैकेंट है आपकी, जैसे कि ईसी ब्रांच में आपकी 4 सीट्स वैकेंट है ओबीसी कैटेगरी वाले बच्चे के लिए, तो बहुत ज़्यादा सीट्स इसके लिए भी वैकेंट नहीं है। IGDTW की आप देख सकते हो सीट मैट्रिक्स, ये सब आपको वेबसाइट पे भी मिल जाएगा जैक दिल्ली कैंपस की वेबसाइट में बच्चों। नेक्स्ट हमारा देख लेते हैं अदर स्टेट पे, जनरल कैटेगरी पे गर्ल्स कैंडिडेट को क्या मिल रहा है अदर स्टेट पे, सीट वैकेंट 6 यहाँ पे सीट्स हैं यहाँ पे मैकेनिकल ऑटोमेशन की और 2 सीट्स आपकी यहाँ मौजूद हैं ईसी ब्रांच की, तो ईसी के लिए आप देख सकते हो 2 ही सीट्स हैं और आपकी 2 सीट्स हैं यहाँ पे आपकी डुअल डिग्री प्रोग्राम की मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन इंजीनियरिंग की। तो आप देख सकते हो इस तरीके से अपनी सीट मैट्रिक्स, 8 सीटें यहाँ पे हैं आपकी ईसी ब्रांच की, जो भी बच्चे ईसी में अप्लाई करना चाहते हैं तो 8 सीटें सफिशियंट है, आप यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं स्पॉट राउंड में 8 सीट्स के लिए भी। अब हम देखें एससी कैटेगरी में, एससी कैटेगरी में यहाँ पे ईसी ब्रांच की यहाँ पे 4 सीट्स वैकेंट है और आपकी 2 सीट्स एससी कैटेगरी में यहाँ पे हैं, 2 सीट्स आपकी वैकेंट है मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन की एससी कैटेगरी में, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से आप वैकेंसी देख सकते हैं और ये वैकेंसी देखते हुए आप स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट करने जा सकते हैं अगर आपको
अदर स्टेट से जाना है दिल्ली में, तो आपको ये देख के जाना पड़ेगा। इसलिए मैंने आपको ये वीडियो के द्वारा बताने की कोशिश की कि आप वीडियो देख लें और आपको समझ में आता है तो आप स्पॉट राउंड में जा सकते हैं। अब हम बात करें जनरल कैटेगरी दिल्ली स्टेट वाले बच्चों की, यहाँ पे NSUT कैंपस में, तो आप देख सकते हो बायोटेक्नोलॉजी मेन कैंपस में यहाँ पे 12 सीटें वैकेंट हैं, 20 सीट्स वैकेंट हैं आपकी सिविल इंजीनियरिंग वेस्ट कैंपस की, 20 सीट्स वैकेंट हैं, और आपकी यहाँ पे जियो इन्फॉर्मेटिक्स की भी 20 सीट्स वैकेंट है जनरल कैटेगरी दिल्ली स्टेट वाले बच्चों के लिए, ठीक है स्टूडेंट्स। और OBC और EWS का आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे पूरा यहाँ पे दिया हुआ है कितनी वैकेंट। जैसे OBC का देखें यहाँ पे 13 सीट्स वैकेंट हैं, यहाँ पे जियो इन्फॉर्मेटिक्स की 13 सीट्स, 9 सीट्स वैकेंट हैं यहाँ पे OBC में, यहाँ पे 9 सीट्स बी आर्किटेक्चर की यहाँ पे वैकेंट हैं। और हम लोग देखें यहाँ पे SC कैटेगरी में भी तो 5 सीट्स यहाँ पे वैकेंट हैं यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग की। तो इस तरीके से आप देख सकते हो वैकेंसी कितनी ज़्यादा सीट्स यहाँ पे वैकेंट है NSUT में भी, और आप अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे आप टोटल अगर करने बैठे तो 4-4, 5-5, 10-10 ऐसे लमसम 50 सीट्स से ज़्यादा ये हो जाएंगी आपकी। अगर टोटल हम लोग देखेंगे तो ये 100 सीट्स के अप्रॉक्स यहाँ पे हो जाएंगी, 20-20-40 यही हो गई आपकी सीट्स, और बाकी ये 13-9-9-10 ऐसे करके आपकी 100 प्लस सीट्स हो जाएंगी, ठीक है स्टूडेंट्स NSUT के कैंपस में, और वो भी दिल्ली स्टूडेंट्स के लिए। दिल्ली स्टूडेंट्स के लिए और भी सीट्स वैकेंट हैं यहाँ पे देख सकते हो आगे, दिल्ली स्टूडेंट्स के लिए मेन कैंपस में बायोटेक्नोलॉजी में 11 सीट्स वैकेंट है SC कैटेगरी वाले बच्चे के लिए। दिल्ली स्टूडेंट्स के जितने भी बच्चे हैं वो एक बार स्पॉट राउंड में ज़रूर पार्टिसिपेट करेंगे, उनको बहुत अच्छा गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल रही है यहाँ पे पार्टिसिपेट करके, कॉलेज अलॉट होने हो सकता है उनको यहाँ पे, अगर वो ब्रांच से कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, CSIT को छोड़ सकते हैं तो अदर ब्रांचेस में वो बिल्कुल जाएं, क्योंकि कॉलेज बहुत बढ़िया है और अच्छा प्लेसमेंट भी होता है। आप सबको पता होगा NSUT के बारे में, प्लेसमेंट्स के बारे में ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हम लोग ये सब डिस्क्राइब कर चुके हैं आपको प्लेसमेंट्स के बारे में। तो आपको बस इसमें स्पॉट राउंड में आँख बंद करके जाना है और अप्लाई कर लेना है। जितने भी स्टूडेंट्स दिल्ली के वो तो बिल्कुल जाएँ, अदर स्टेट्स वाले बच्चों को थोड़ा मैट्रिक्स देखना है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करें यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल की OBC कैटेगरी की अदर स्टेट में 6 सीटें वैकेंट हैं, 6 सीटें आपकी यहाँ पे इलेक्ट्रिकल की भी वैकेंट है और 8 सीटें आपकी यहाँ पे मैकेनिकल की भी वैकेंट हैं। तो 6-6-8 ऐसी सीट्स अगर हम लोग टोटल करने बैठे यहाँ पे तो ये भी 50 के आसपास सीट्स वैकेंट हो जाएंगी OBC कैटेगरी, EWS कैटेगरी अदर स्टेट वाले बच्चों के लिए, इस तरीके से आप देख सकते हो। नेक्स्ट हम लोग देखें हमारा आता है अदर और भी ब्रांचेज हैं जो हमारी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की देखें तो यहाँ पे 6 सीट्स वैकेंट है अदर स्टेट वाले स्टूडेंट्स के लिए, 10 सीट वैकेंट है मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले बच्चों के लिए, और हमारी यहाँ पे 2-1 करके अगर हम लोग पूरी सीट्स देखें यहाँ पे तो मैकेनिकल, बायोटेक्नोलॉजी, सिविल और जियो इन्फॉर्मेटिक्स जैसी ब्रांचेज में 1-1 सीट्स यहाँ पे वैकेंट है, बहुत ज़्यादा सीट्स नहीं वैकेंट है। अब हम बात करें SC कैटेगरी वाले बच्चों के लिए तो यहाँ पे 5 सीटें वैकेंट है आपकी मैकेनिकल की मेन कैंपस के लिए, 5 सीट्स, और बाकी जो आपकी हैं 3-3-1-2 ऐसे करके सीट्स वैकेंट हैं आपकी बाकी अदर अन्य ब्रांचेस में, ठीक है बच्चों। तो आप देख सकते हो कि NSUT में आपको कितनी ज़्यादा यहाँ पे सीट्स अवेलेबल हो रही हैं। अब हम बात करें IIIT दिल्ली की, IIIT दिल्ली की बात करोगे तो यहाँ पे EC की आपकी 1 है, यहाँ पे EWS कैटेगरी वाले वो भी जनरल में, अगर आप अदर स्टेट में देखें तो 3 आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड VLSI वो डिज़ाइन में, VLSI में आपकी यहाँ पे सीट वैकेंट है। तो ये आपका हो गया IIIT दिल्ली। इस तरीके से आप सीट मैट्रिक्स को देखते हुए अगर आप काउंसलिंग्स में जाते हैं तो आपको चांसेस है कि आपको मिल सकता है, क्योंकि सीट्स वाकई सब हर ब्रांच में, लमसम हर ब्रांचेज में वैकेंट है। CS और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की ब्रांचेज नहीं यहाँ पे वैकेंट है काफ़ी यहाँ पे कुछ इंस्टीट्यूट में, जैसे कि आपका DTU है वहाँ पे आपकी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वगैरह यहाँ पे वैकेंट नहीं है, लेकिन बाकी तो ब्रांचेज में आपको सीट्स अवेलेबल हो रही, 10-10, 20-20 सीटें वैकेंट दिखाई जा रही हैं। तो बच्चों इतनी सारी ब्रांचेज वैकेंट हो रही हैं तो आपको स्पॉट राउंड में जाना चाहिए। स्पॉट राउंड भी ये लास्ट नहीं होगा, हो सकता है इसके बाद भी एक स्पॉट राउंड हो अगर सीट वैकेंट बच जाती है इसके बाद भी, बट आप कोशिश करिए कि अगर आप अदर स्टेट से हैं और आपकी रैंक 1 लाख 2 लाख तक आ रही, 3 लाख तक आ रही, तो आप यहाँ ट्राई कर सकते हैं, आप स्पॉट राउंड में जा सकते हैं बच्चों। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही, जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो मैं आपको दूंगी और कोई अच्छे टॉपिक के साथ, तो आप कॉमेंट ज़रूर करिएगा आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, एंड इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बहुत ज़रूरी है सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम लोग ऐसे बहुत अपडेट्स देते रहते हैं जो कि आपसे मिस ना हो पाएँ। तो स्टूडेंट्स थैंक यू वेरी मच।